जायसी के पद्मावत का नागमती वियोग वर्णन सुप्रसिद्ध है। बारामासा के इस उद्धरण में प्रकृति जीवंत होकर नायिका के प्रेम भाव में उसकी सहभागिनी बनकर संचार करती है। रतिरंग की नायिका आषाढ़ के इसी वर्षा सिक्त वातावरण में मंच पर प्रविष्ट होती है। विरह मानो बादल की गर्जना के स्वर में अपने आगमन की घोषणा कर रहा है। बगलों की श्वेत पंक्ति, नाचते हुए मोर, फुदकते हुए मेंढक और पपीहे की टेल सभी नायिका की मनस्थिति को और अधिक उत्तेजित करते हैं। ऐसे समय में नायिका अपने मन को कैसे धीरज दे? वासक सज्जा नायिका भारतीय काव्य रस एवं चित्रकला की परंपरा में वासक सज्जा नायिका का चित्रण अत्यंत मनमोहक है। कवि और चित्रकार की कल्पना ने इस नायिका के भावों को गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है, जिसमें नायिका अत्यंत उत्सुक और उत्कंठा से अपने प्रियतम को रिझाने के लिए 16 श्रृंगार करती है। नेत्रों के कटाक्ष को तीक्ष्ण करने के लिए काजल लगाती है, होठों की लालिमा के लिए पान का सेवन करती है, गले में सुगंधित पुष्प की माला धारण करती है और सविलास प्रतीक्षा करती है पिया से मिलन की। जायसी रसिक प्रिया और ढोला मारो से लिए गए यह पद नायिका के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इस नृत्य की परिणति प्रसिद्ध ठुमरी आज राधा ब्रिज को चली के साथ होती है। Oh,
हाँ।